हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नया टॉपिक लेकर। आज हम कक्षा 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 तूफानों की ओर कविता का अभ्यास करेंगे, जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, इस कविता में बताया गया है कि तूफान यानि हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष, और नाविक यानि जो तूफानों से जिस जीवन में संघर्ष से उनका सामना करेगा यानि इंसान। तो इन दोनों प्रतीकों द्वारा लेख कवि हमें कहते हैं कि हमारा जीवन संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयां आती ही रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, पूरे आत्मविश्वास और साहस से उसका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है। तो फ्रेंड्स, कविता में जाने से पहले कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाएं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। सन 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी, 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिलोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदन वारें, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। किस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस, संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए हैं। तो चलें फ्रेंड्स, कविता में तूफानों की ओर। तो फ्रेंड्स, इस कविता का भाव ग्रहण करने से पहले यह कविता हम गाएंगे। बाद में इनकी चार चार पंक्तियों द्वारा हम कविता को देखते भी जाएंगे और उसका अर्थ ग्रहण भी करेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलें फ्रेंड्स, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस संदर्भ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, परमाजी भी का
कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो फ्रेंड्स, आप यदि साथ में गाते तो और अच्छे से और सुंदर तरीके से यह कविता का गान होता। पर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जब हम स्कूल में मिलेंगे तो फिर से एक साथ इस कविता का गान करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इन पंक्तियों द्वारा कविता में निहित भाव को अच्छे से समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तो ये जो दो माध्यम है तूफान और नाविक, इससे कवि कहना चाहते हैं कि तूफान जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, कठिनाई, परेशानी है उनका प्रतीक है, और नाविक हमारा प्रतीक है, हम जो तूफानों यानी कि जो मुसीबत है उससे लड़ते हैं। और ये तूफान हमारे जीवन में क्यों आते हैं और हमें इसको पार कैसे करना चाहिए, यही भाव इस कविता में निहित है। तो आगे हम देखते हैं। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार, पतवार यानी जो नाव चलाने वाली लकड़ी होती है, चप्पू होता है, उसे पतवार कहते हैं। तो हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा हुई है, लहरें भी उड़ उड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है। ज्वार पता है किसे कहते हैं बच्चों? ज्वार और भाटा, भरती और ऊंट होती है उसे ज्वार और भाटा कहते हैं। हमने आज समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों को देखकर डरो नहीं, अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। आगे देखते हैं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहते हैं कि लहरों के स्वर में, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, हमें डरा रहा है और उसका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, यानी भाग्यशाली लोगों के ही जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो उससे डरना या हारना नहीं, समझना कि ये कठिनाइयाँ हमें कुछ सबक सिखाने आई है, हमें इनसे कुछ सीखना है, और जब कठिनाइयाँ आएंगी तब हम उनका सामना करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, उन तूफानों से हम कैसे सामना करें। अगर तूफान या कठिनाइयाँ समस्या आएंगी ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है। इसीलिए भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही यह मौका आता है। इसीलिए कवि कहते हैं, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो कठिनाइयों से कभी भी डरना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला सामना करना चाहिए। आगे देखते हैं।
यह असीम निज सीमा जाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम यानी सागर की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए लेखक कवि उसे कहते हैं कि यह असीम है। यह असीम भी निज यानी अपनी सीमा जाने कि उसकी भी कोई सीमा होती है। सागर भी तो यह पहचाने कि मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला कौन? इंसान। इंसान को मिट्टी का पुतला कहा गया है। कैसे? क्योंकि कहा जाता है कि इंसान इस संसार के जो पांच महाभूत है उसी से वो बना है और उसी में अंत में लीन हो जाता है। ये पांच महाभूत कौन से हैं फ्रेंड्स, पता है आपको? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब जो पांच प्रकृति के तत्व हैं इन्हीं से हमारा शरीर बना है और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए इंसान को मिट्टी का पुतला कहा गया है। तो सागर को भी पता चले कि इस मिट्टी के पुतले में कितनी शक्ति है। इस मिट्टी के पुतले ने कभी भी हार नहीं मानी, कितनी भी बड़ी समस्याएं आई उसके जीवन में उसने उसका डटकर मुकाबला किया है। तो सागर को भी पता चले यानी तूफान जो कठिनाई आई है उन्हें भी पता चले कि इस मिट्टी के पुतले ने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसे यह वरदान मिला है, यह शक्ति उसके अंदर है। हे नाविक, तुम भी अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने वह हार नहीं मानेगा, मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। तो फ्रेंड्स, मुसीबतों से कह दो कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। आगे देखते हैं, सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माजी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कि सागर की अपनी एक लिमिटेशन है, एक क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जो माझी है, माझी यानी नाव चलाने वाला मल्ला, माझी भी थकता नहीं है, वो तूफानों का सामना करते करते आगे बढ़ता ही जाता है, जब तक उसकी आखिरी सांस, जब तक सांसों में स्पंदन है यानी उसकी सांस आखिरी चलती है तब तक वो तूफानों का सामना करता है, डटा रहता है, उसका हाथ रुकता नहीं है, पतवार को तूफानों की ओर ही घुमाते जाता है, इसके ही बल पर, इसी हिम्मत शक्ति और साहस के बल पर ही इसने सातों सागर पार कर डाले हैं, यानी सातों सागर पार जैसी मुसीबतों का सामना कर डाला है इसी शक्ति और इसी साहस के बल पर। तो हे नाविक, तुम भी तूफानों से डरे बिना अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है पर माजी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकता नहीं, वह थकना जानता ही नहीं, जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं वह तब तक अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत से सातों सागरों को, समुद्र को पार कर डाला है, तो अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, यानी मुसीबत आने पर हमें रुकना नहीं है, उस मुसीबत का सामना करते करते आगे बढ़ते जाना और मंजिल आगे हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो फ्रेंड्स,
समझ गए इस कविता का भाव? तो फिर से एक बार इस भाव को देख लेते हैं, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमा यही संदेश देते हैं कविता के द्वारा, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर यानी विषम परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, कठिन परिस्थितियां पैदा की हैं, लहरें भी उमड़ उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में भी ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उसका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं को अजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, कहने का मतलब भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही कठिनाइयां आती हैं। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी हार नहीं स्वीकार की है, इसीलिए समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माजी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं, तब तक वह अपनी नाव को आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं, अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो फ्रेंड्स, अब कभी भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम, और हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर उस कठिनाई से लड़ने की शक्ति कितनी है। तो कभी भी हम हार मानेंगे नहीं। तो चलें फ्रेंड्स, इस इकाई में आए हुए शब्दार्थ देख लेते हैं। नाविक यानि नाव चलाने वाला, मल्लाह या माजी, निज यानि अपना, पतवार यानि नाव चलाने वाली लकड़ी या चप्पू, ज्वार तूफान समुद्र का पानी बढ़ना, तूफान में हमने समुद्र का पानी बढ़ता है उसे ज्वार कहते हैं, जब घटता है उसे भाटा कहते हैं, अंधड़ यानि आंधी, असीम सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता शक्ति योग्यता, स्पंदन यानी चेतना धड़कन, बल पर यानी उसी के सहारे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी और आप आगे चलकर कभी भी कठिनाइयों से, मुसीबतों से, तूफानों से डरेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। ओके, बाय बाय।